स्मृति ईरानी ने अमेठी जीत उते प्रगटाई खुशी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी नूं अमेठी तो करारी हार दिती अते मीडिया नाल रूबरू होए। पंद्रह साल से राहुल गांधी जी लगातार यहाँ के सांसद थे। कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कांग्रेस का किला अपने ध्वस्त करने का काम किया है, कि इतिहास रचने का काम। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आज नरेंद्र भाई मोदी को कि उन्होंने सतत पाँच साल अमेठी को 2014 में जो विश्वास दिलाया था कि वो बदलाव की भावना से यहाँ पर आए हैं। आज अमेठी में तो सीधे कांटे की टक्कर की लड़ाई हुई, सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। एक तरफ एक परिवार था, दूसरी तरफ एक संगठन था जो परिवार की तरह काम करता है। तो आज अगर श्रेय देना है तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे संगठन को और स्वयंसेवकों को श्रेय देना चाहिए। और अगर आज की जीत मैं किसी को समर्पित कर पाऊँ तो वो कार्यकर्ता जो मौत के घाट उतारे गए केरल में और बंगाल में, ये उनको और उनके परिवारों के प्रति इसको मैं समर्पित करना चाहूँगी। राहुल गांधी जी ने काफ़ी पहले अपनी हार स्वीकार कर ली थी और आपसे ये उन्होंने आपको बधाई दी और कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ की जनता को स्नेह और प्यार से रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर और भाजपा के संगठन पर राहुल गांधी जी ने इतना विश्वास व्यक्त किया कि वो आश्वस्त हैं कि हम अमेठी की देखभाल करेंगे। यही विश्वास अमेठी ने भी आज अपने वोट के माध्यम से दिया। मैं अमेठी की जनता के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। पाँच साल हारने के बाद रही, अब जीतने के बाद पाँच साल उनकी सेवा करूँगी, ऐसा आश्वासन भी दिया। और वो जानते हैं कि एक बार जबान दी तो जबान रखूँगी।